हाई गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ प्रियाश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज की जो वीडियो होने वाली है, एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो होने वाली है। और आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग डेली मर्रा के अंदर मुझे कमेंट करते रहते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। एंड इवन आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करती रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, खास करके अपने बालों से रिलेटेड, बिकॉज यू गाइज नो कि मैं एक अच्छे एक हेल्दी हेयर जर्नी के ऊपर हूँ, जो मैं पिछले 2 सालों से कर रही हूं। और मैंने पाया है कि इस जर्नी के अंदर मेरे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं। मैं अपने बालों को बहुत ज्यादा कलर करती हूं, बहुत ज्यादा ब्लीच करती हूं। एज यू गाइज नो, मैं कभी भी अपने बालों को नेचुरल कलर में नहीं रखती हूं। तो इस चीज के अंदर मुझे जो अपने बालों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढने की जो है यू नो जद्दोजहद करनी पड़ती है, और वो जो भी चीजें मेरे ऊपर काम करती है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलेगा। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ढेर सारे रिव्यू वीडियो हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल झड़ने की जब समस्या आती है तो आप सभी को पता है कि वो जेनेटिकली भी हो सकता है, अगर आपका शरीर के अंदर किसी पोषक तत्वों की कमी हो गई तब भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कब होता है, जब आपकी स्कैल्प अगर जो है ड्राई हो गई हो, स्कैल्प ईची रह रही है, स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी झड़ सकते हैं। कई लोगों के बाल झड़ते नहीं है लेकिन बाल बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं, जो बीच बीच से बालों की ब्रेकेज हो जाती है, तब भी जो है आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बाल जो बीच से ब्रेकेज हो रहे हैं आपके, तो आपको फ्लाई हेयर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बालों में नरिशमेंट एंड पोषण की कमी भी आपके बालों को झाड़ सकती है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर बाल अगर कॉन्टिन्यूसली झड़ रहे हैं और आप उनको देखभाल नहीं करें तो आप एलोपेशिया की तरफ चले जाएंगे। और आजकल गंजेपन की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है लड़कियों में भी और लड़कों में भी, जो पहले लड़कों में थी वो अब लड़कियों में भी देखी जा रही है। बहुत ज्यादा हीटिंग बालों के अंदर यूज करना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो है केमिकल्स यूज करना बालों के अंदर, सल्फेट पैराबिन वाला शैम्पू यूज करना, ये सब चीजें भी आपको जो है बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा सकता है। तो इन सब चीजों का भी आप खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अगर आप बालों के अंदर तेल की मालिश नहीं करते हो, आप अपने स्कैल्प को पोषण नहीं देते हो, फिंगर टिप से अच्छी मसाज नहीं करते हो, तब भी आपके बाल जो है झड़ेंगे। इस बीच के अंदर एक अच्छा तेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बालों के अंदर जो है जाए, उनकी जड़ों में जाए, नरिशमेंट दे आपको एंड आपके बालों को झड़ना रोके। अब मैं आपको बताऊं कि जब आपका ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको बाल नहीं झड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब आप च्यू करते हो, आप बोलते हो, तो यहाँ पर पूरे टाइप की मूवमेंट हो रही होती है और ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। लेकिन जो ये आपका क्राउन हिस्सा होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है, तो यहाँ से बाल आपके सबसे पहले चले जाते हैं। और ये लगा लीजिए कि यहाँ से ही बाल जाते हैं और कहीं से जाते ही नहीं है, यहां से बाल जाते हैं। तो यहां पर आपको मूवमेंट देनी है, तो मूवमेंट आप कैसे दोगे, एक अच्छे हेयर ऑयल के साथ। आप यहां पर मूवमेंट दोगे एक अच्छे हेयर ऑयल के साथ, और अच्छे हेयर ऑयल के साथ और अपने फिंगर टिप्स के साथ अच्छे से अपने बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर मसाज करोगे, तब जाके जो आपके ब्लड सर्कुलेशन यहां पर इंप्रूव होगा और अच्छे हेयर ऑयल जो है आपके डीपली पेनिट्रेट होगा एंड वो बालों को ग्रोथ देगा, बालों की जड़ों में जाएगा, बालों को ग्रोथ देगा, नरिशमेंट देगा एंड न्यूट्रिएंट्स देगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज हेयर ऑयल आप लोगों के लिए लेके आई हूं, और दैट इज नेचर श्योर हेयर ग्रोथ ऑयल। और ये जो हेयर ग्रोथ है, कमाल का हेयर ग्रोथ है। सबसे पहले हम प्राइस एंड पैकेजिंग देखेंगे, बिकॉज खरीदने से पहले आप डेफिनेटली ये चीज तो जानना ही चाहोगे। सो दिस इज कम्स विद अ वेरी नाइस कार्डबोर्ड पैकेजिंग एंड लुक एट द पैकेजिंग, इट्स अ वेरी नाइस वेरी वाइब्रेंट पैकेजिंग, आई रियली रियली लव द पैकेजिंग। नेचर श्योर की ब्रांडिंग है इनके ऊपर एंड हेयर ग्रोथ ऑयल है। इसका जो है पैकेजिंग का जो प्राइस है वो आप जो है पे करोगे 339 रुपीज़, एंड इसका जो क्वांटिटी आपको मिलेगा 110 ml की क्वांटिटी आप लोगों को प्रोवाइड होगी। इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, कब तक आप इसको यूज कर सकते हो, सारी डिटेल आपको इसके आउटर बॉक्स के ऊपर मिलेगी। अंदर से जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये मेरी न्यू बॉटल है, आई परचेज इट लाइक ट्वाइस, तो मेरे को था कि मैं न्यू बॉटल आप लोगों को दिखाऊं। ये बॉटल इज अ वेरी नाइस एम्बर बॉटल है, और साथ ही साथ यहाँ पर से आप प्रोडक्ट को डिस्पेंस कर सकते हो। आई रियली लव द पैकेजिंग, बहुत अच्छे से क्लिक होकर बंद होता है। इनकेस अगर आपसे आउटर पैकेज गुम हो जाते हो और आप सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हो, तो सारी डिटेल आपको इसके इनर पैकेजिंग के ऊपर भी मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात। सबसे पहले मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं, तो इसके अंदर डाला गया है सेसमी ऑयल, जिसको तिल का तेल भी कहा जाता है। और आप सभी को पता है, अपने पुराणों से ही तिल का तेल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माना गया है फॉर द हेयर फॉल और बालों की ग्रोथ के लिए। इसके अंदर दूसरा चीज है भृंगराज, जिसको केशराज भी बोलते हैं, और आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोकता है। एंड भृंगराज आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे जो है
ड्रग स्टोर प्रोडक्ट के अंदर भी आने लग गए हैं जो कि हेयर के लिए बनाते हैं, जबकि नेचर श्योर जो है नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बनाता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर भृंगराज डाली गई है, इसके अंदर महामोय और नीमली भी डाला गया है। महामोय जिसको धतूरा भी कहा जाता है, जो कि आपके बालों के इन्फेक्शन को दूर करता है, बालों के स्प्लिट एंड्स को घटाता है, ब्रेकेज को दूर करता है, साथ ही साथ इसके अंदर नीमली भी जो इन्फेक्शन को भी दूर करता है एंड आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये सारी इतनी बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर डाली गई है जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। आपको यूज़ कैसे करना है, आपको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेना है रात के टाइम में एंड अपने स्कैल्प पर अप्लाई करते हुए अच्छे से मसाज कीजिए। आप अपने नाखूनों का यूज़ ना करें, ध्यान रखें आप अपने फिंगर टिप्स के या जो टिप्स होते हैं इनको यूज़ करें ताकि जो है अच्छे से जो है ऑयल पेनिट्रेट हो, सर्कुलेशन आपको ब्लड जो है ऊपर बना रहे और आपके बालों की झड़ने की समस्या जो ख़त्म हो जाए। विद इन 2 वीक्स आप देखोगे कि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लेम की कि ये क्या चीज़ क्लेम करते हैं। तो ये जो है आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टॉप करता है आपके हेयर लॉस को, हेयर फॉल को एंड बॉल्डनेस को वो भी कम करता है, ट्रीट करता है डैंड्रफ को, लाइस को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, स्कैल्प को ट्रीट करता है और फ्लेकीनेस, यानी कि अगर आपको डैंड्रफ के अलावा एक फ्लेकीनेस होती है जिसको सम टाइम जो है किसी तरीके का वो एलोपीशिया जैसा ही होता है, वो कुछ फ्लेकीनेस निकलती है स्किन से, अगर वो है, गीला डैंड्रफ है, तो वो भी हटाते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को एंड स्प्लिट एंड्स को ये खत्म करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है आपके हार्मफुल यूवी रेज से एंड पॉल्यूशन से आपके बालों को भी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें ये करता है। विदिन 2 वीक्स आप देखोगे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप तरह तरह के नुस्खे यूज कर चुके हो तो डेफिनेटली आप एक बार इस ऑयल को भी ट्राई कीजिएगा और ये ऑयल डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। दिन में आपको एक बार यूज़ करना है, हर अल्टरनेट डे आप इसको यूज़ कर सकते हो, रात के टाइम यूज़ कीजिए, 2 घंटे पहले नहाने से कर ले सकते हैं आप यूज़, ये आपके ऊपर आपको कैसे यूज़ करना। ध्यान रखिएगा कि ये जो हेयर ऑयल है वो थोड़ा थिक हेयर ऑयल है तो आपको जो है बाहर आप नहीं निकल सकते हो, आप हॉट टॉवल जो है ट्रीटमेंट भी इसके साथ ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है इस हेयर ऑयल के साथ। कहाँ से आप इसको परचेज करोगे उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।